नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैदं श्रीदक्षिणामूर्तये कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रघर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित स्वामी अम्बरीशानंद जी महाराज, ब्रह्मचारी श्री शारदानंद जी, भगवती गौ माता के लिए जिनका सर्वस्व समर्पित है, ऐसे कोली शेट्टी शिव कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित विद्वज्जन, आदरणीय मातृशक्ति, बच्चों, सत्य धैर्य दम क्षमा दया अस्तेय अहिंसा श्रद्धा तप ब्रह्मचर्य शौच शम गुरु शुश्रूषा दान श्राद्ध आतिथ्य अचापल मार्दव रक्षा ब्राह्मण देव तीर्थ, इतने धर्मों का श्रवण अपने लोगों ने किया। अब आगे एक धर्म है, ह्री, ह्री नाम का धर्म। कौन सा धर्म है, क्या मतलब है इसका? ह्री का मतलब होता है लज्जा। ये भी एक धर्म है। लजाना जो है ये धार्मिक मामला है, इसीलिए आपने एक गाली सुनी होगी, वो है निर्लज्ज। निर्लज्ज शब्द जो है किसी के लिए कहा जाए गाली होता है, और लज्जावान ये सम्मान का शब्द है। लोग जब किसी पे आकृष्ट होते हैं, कहते हैं कुछ लाज शर्म है कि नहीं है, यही तो कहते हैं। उस लाज शर्म का क्या मतलब है? वो लज्जा नाम का एक धर्म है, ह्री। संस्कृत भाषा में ह्री कहते हैं, लज्ज शब्द भी संस्कृत भाषा का ही है, लज्जा। ये जो है क्या है, चाहे ह्री शब्द से कहें चाहे लज्जा शब्द से कहें, आखिर ये है क्या? पहले तो जान लिया आपने कि ये भी एक धर्म है, लजाना।
जो लजाता है उसमें कुछ अच्छी संभावनाएं बन जाती हैं। असल में एक अभिमान होता है, ये हमको गिराने का काम करता है। प्रायः अभिमान हमको गिराता है, लेकिन असल में एक अभिमान हमको गिरने से बचाता भी है। वो क्या है? वो अपने कुल का अभिमान, अपनी जाति का अभिमान, अपने देश का अभिमान, अपने व्यवसाय का अभिमान। इस तरह से जो अपनी वस्तुएं हैं उनका जो अभिमान है वो हमको गिराता नहीं है बल्कि बचा लेता है। इसीलिए कुछ अभिमान होने भी चाहिए, सर्वथा निरभिमान होना ठीक नहीं। वैसे हम लोगों ने बताया था कि अभिमान तो सदा ऊंचा ही उठाने वाला होता है, हम ऊंचे हैं यही अभिमान, और क्या है? अभिमान में यही होता है कि हम बहुत ऊंचे हैं, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। ये दो बात हो गई, हम ऊंचे हैं ये तो ठीक है, इसमें कहां किसी को आपत्ति है, हर व्यक्ति अपनी जगह पे ऊंचा है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमसे ऊंचा कोई नहीं है या सब हमसे नीचे हैं, तब हमारा अभिमान हमको गिराने लग जाता है। अपने आप को ऊंचा समझने में कोई समस्या नहीं, लेकिन दूसरा नीचा है ये समझना गलत है। और जब अभिमान इस श्रेणी में चला जाता है कि अब दूसरे को नीचा समझने लगा, तब वो हमको नीचे की तरफ गिराने लगता है। और जब तक अभिमान यहां रहता है कि मैं ऊंचा हूं, तब तक वो आपको बचाए रखता है, मैं अच्छा हूं, ये अभिमान आपको बुरा होने से बचाएगा कि मैं कैसे बुरा काम करूं, मैं तो अच्छा आदमी, मैं ये कैसे करूं, मैं तो ये हूं। इसलिए अभिमान जो है वो गिराता है और अभिमान ही हमको बचाता है। असल में ये जो अभिमान है ना, इसमें गिरने का भय है। वो भय जिसके मन में बना हुआ है वो बच जाएगा, एकदम से तो गिरा नहीं देगा धक्का मार के, पहले भय दिखाएगा, भाई गिर जाओगे। उसको जिसने मान लिया वो तो बच जाएगा, और जिसने उसको नहीं माना वो तो गिरना ही गिरना। तो इसलिए लज्जा का मतलब है कि हम कोई कार्य करने चले और वो कार्य करने जैसा नहीं है, तो हमारे मन में भय समा गया कि लोग क्या कहेंगे। ये जो भय है ये भय अच्छा भय है, खराब भय नहीं, ये हमको बचा लेता है। और अगर इस भय को हमने छोड़ दिया तो हम कुछ भी करेंगे, फिर क्या दिक्कत। इसलिए कुछ अभिमान अच्छे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे मन से यह अभिमान कभी निकल ना जाए कि मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी है। इस तरह के अभिमान को तो बना के रखने की जरूरत है, बचा के रखने की जरूरत है। इसलिए मैं अभिमान, इसी को स्वाभिमान कहते हैं, जिसमें यह होता है वो बच जाता है और उसका कल्याण होता है। इसीलिए इसको भी एक धर्म माना गया है, ये भी एक धर्म है, और इसका जीवन में महत्व है। आप देखिए मीराबाई पद गा रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई,
जाके सुर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और जैसे ही इतना कहती हैं वैसे उनको ख्याल आ जाता है कि ये कैसे मैं कह सकती हूं। लेकिन फिर दूसरे क्षण कहती हैं, संतन अधिक बैठी बैठी लोक लाज खोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। संतों के पास बैठ बैठ करके इस मामले का लोक लाज मैंने खो दिया। क्यों? क्योंकि संतों ने हमको समझा दिया कि ये पति तो टेम्परेरी है, परम पति तो वही है। इसलिए परम पति में अगर तुमने मन लगाया तो इसमें लजाने की जरूरत नहीं है। एक टेम्परेरी पति को छोड़ करके दूसरे टेम्परेरी पति में मन लगाया तो लजाने की जरूरत है, भाई वही चीज छोड़ी वही चीज पकड़ रहे हैं, वो भी टेम्परेरी था वो भी टेम्परेरी। लेकिन अगर एक टेम्परेरी को छोड़ करके एक परमानेंट पकड़ लिया तो इसमें लजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस बात को समझ लेने के बाद मैंने ये लोक लाज खो दी और परम पिता परम पति भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार कर लिया। ये लोक लाज है। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में घूम रहे हैं, गोपियां उनके सौंदर्य माधुरी पे बारी जा रही हैं, चाहती हैं कि हमारे घर में आए हैं, चाहती हैं कि हमसे थोड़ी सी बात करें, चाहती हैं सान्निध्य लाभ मिले। और एक दिन एक गोपी मन में आकांक्षा लिए खड़ी थी और तब तक भगवान श्री कृष्ण आए, उसने उनका रास्ता रोका तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका आंचल पकड़ लिया, आंचल पकड़ लिया। अब वो गोपी क्या कहती है, नवोढ़ा थी, लज्जा कुछ ऐसी अभी विशेष ही थी, वो कहती है मुंचांचलम, अरे आंचल छोड़, मुंचांचलम पच्चंचल पस्य लोकम बालोसिना लोकयसे कलंकम, आंचल छोड़, अरे चंचल समझता नहीं है, बालक है, ना लोकयसे कलंकम, कलंक लग जाएगा मेरे ऊपर तेरे ऊपर, आंचल खींच रहा है। ऐसा कह करके आंचल खींचने से भगवान श्री कृष्ण को रोक दिया। जैसे ही भगवान से कहा छोड़ आंचल, भगवान ने ऐसे छोड़ दिया, छोड़ के खड़े हो गए। अब जब आंचल छोड़ के खड़े हो गए तब क्या कहती है, भावम न जाना सिहि कामिनी नाम गोपाल गोपाल न पंडितोसी, अरे कामिनी के भावों को तू नहीं जानता, तू तो गोपाल ही है न पंडितोसी। अगर पंडित होता तो कामिनियों के भाव को समझता कि वो मना करती हैं, लेकिन उनके मना करने में मना नहीं होता है, साहित्य का रस है, तो उस रस को तू नहीं जानता, मना करने को मना मान के छोड़ के खड़ा हो गया। गोपाल तू निरा गोपाल है न पंडितोसी। क्या भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे हमको अपंडित कह रही हो, हम पंडित हैं। तो कहती हमने सुधार लिया, शब्द वही रहेगा अर्थ बदल लो, पहले हमने कहा गोपाल गोपाल न पंडितोसी, हे गोपाल तुम गोपाल ही हो न पंडित हो, अब हम शब्द वही रहेगा अर्थ बदल लो, गोपाल गोपाल न पंडितोसी, तुम पंडित तो हो लेकिन गाय के पालने के पंडित हो और किसी चीज के पंडित नहीं है। साहित्य के पंडित नहीं हो तुम गाय पालने के पंडित हो सकते हो लेकिन साहित्य के पंडित नहीं हो, जिसमें श्रृंगार रस है, अभी उसके बारे में तुम्हारी जानकारी कमजोर है। यहां क्या दिखाई दे रहा है,
कि वो जो गोपी है उसके मन में भगवान के प्रति स्नेह है, लेकिन साथ ही साथ लोकलाज भी, कोई कुछ कह न दे इस बात का भय है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आंचल खींचे जाने पे छोड़ने को कह देती है, और जब वो छोड़ देते हैं तो पछताने लग जाती कि हम मैंने ऐसा कह के दिया। लोकलाज ये बहुत बड़ी चीज, इसलिए लज्जा अंतःकरण की एक विशेष वृत्ति है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस बात का भय हमको रहता है, और इसी भय के कारण हम अधर्म की ओर नहीं जाते, अन्यथा अधर्म की ओर चले जाएं। इसीलिए क्या होता है कि जब हम देखे जाते रहते हैं तब हम नियंत्रित रहते हैं, और जैसे ही हमको पता चलता है कि अब कोई नहीं देख रहा है, तुरंत हम राक्षस हो जाते हैं, तुरंत हम अधार्मिक हो जाते हैं। अभी लाइट चली जाए एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगेंगे, क्यों? क्योंकि जान रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा है, और अभी लाइट है देखे जा रहे हैं तो अपने हाथ ऐसे करके बैठे हैं, इनसे सज्जन कौन है? ये जो सज्जनता है और ये दुर्जनता है ये आप ही में भरी हुई है। देखे जाते हुए आप में सज्जनता उभर आती है, और अगर कोई ना देखे तो आपकी दुर्जनता निकल करके बाहर आ जाती है। ये बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए अगर आपको धर्म के रास्ते पर रहना है तो आपको एकांत का सेवन छोड़ देना, एकांत में नहीं रहूंगा, किसी न किसी के द्वारा देखा जाता रहूंगा, और अगर आप देखे जाते रहेंगे तो अधर्म में आपकी प्रवृत्ति ही नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो लज्जा वो हरि वो धर्म काम करता रहेगा। इसीलिए साधु संत खुले में रहते, मचान बना करके रह गए, पेड़ के नीचे रह गए, धर्मशाला में जहां पर लंबी लंबी सहन है वहीं रह गए। ये क्यों? ये इसीलिए, या तो इतनी छोटी कुटिया में जिसमें दूसरे जा नहीं सकते, केवल अकेली कुटिया है, अगल बगल कोई जाएगा भी तो दिख जाएगा दूर से कि कुटिया में कोई जा रहा है, कोई कुटिया से निकल के आ रहा है। ये जो एक देखे जाने का उपक्रम है ये हमको अपने धर्म में स्थिर बना करके रखता है। इसीलिए लज्जा भी एक धर्म है, बंधुओं जान लीजिए। सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा सुकुलांगना, जो अच्छे घर की बेटी है निर्लज्ज हो जाएगी तो उसको बचाना मुश्किल है। वो बची है केवल लज्जा के कारण बची, इसलिए भगवान की तरफ से हमको ये भेंट है। केवल कन्या के बारे में नहीं है, ये पुरुष के बारे में भी यही बात। तो इसलिए जिसमें संकोच होगा, लज्जा होगी, भय होगा कि लोग क्या कहेंगे, वो बचेगा, और नहीं तो अधर्म के रास्ते आपको हर समय खींच रहे हैं, प्रवृत्ति तो वही है ना। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं, न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। जिसको हम लोग दोष समझते हैं, व्यास जी कह रहे हैं इसमें क्या दोष है, मांस भक्षण जो है वो प्रवृत्ति से प्राप्त है, बहुत से लोगों को इच्छा हो जाती। इसी तरह से मद्यपान करना, कोई भी पिला देता है पीने लग जाते हैं, फिर आदत लग जाती है पीने लग जाते हैं, और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, कोई सिखाता थोड़े है, सहज है, ये अपने आप होता है, एक उम्र समय होती है उसमें हो जाता है। प्रवृत्ति रेशा भूता नाम, ये तो सामान्य लोगों की प्रवृत्ति ही है, इसलिए इसमें दोष क्या कहें। हाँ, निवृत्तिस्तु महाफला, अगर कोई इससे बच जाए वो बहुत बड़े प्रशंसा की बात है।
पानी जहां भी गिरेगा नीचे की ओर लुढ़कने लग जाएगा। प्रवृत्ति है उसकी, उसके लिए प्रयास थोड़े करना पड़ता है। बिगड़ने के लिए किसी को प्रयास नहीं करना पड़ता, सुधरने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, मन को कड़ा करना पड़ता है। इसलिए निवृत्तिस्तु महाफला, पानी को ऊपर चढ़ाना हो, मोटर चाहिए, बिजली चाहिए, तब चढ़ेगा, अथवा बाल्टी में लेके खुद परिश्रम करो तब चढ़ेगा, ऐसे नहीं चढ़ सकता। और नीचे जाने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, रास्ता अपने आप खोज लेगा और चला जाएगा। इसलिए बिगड़ने के लिए तो चारों तरफ रास्ते हैं, सुधरने के लिए रास्ता वो कहां से मिलेगा? वो इसी भय से मिलेगा, हरि। इसीलिए इसको भी धर्म का, और ये दिखाई देता है। आप देखिए वाल्मीकि रामायण में चलते हैं अपने लोग, वहां पर आया है प्रसंग कि भगवान श्री राम का जो कलेजा है, हृदय, वो दो टुकड़े हो गया, दो टुकड़े हो गया। कब हुआ भैया? किस प्रसंग में हुआ? क्या बात है? ये प्रसंग वहां का है जी, भगवान श्री राम ने रावण के ऊपर आक्रमण किया, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, रावण को जीत लिया, विजय हो गई, धुंधु भी बज गई, और फिर अशोक वाटिका से सीता जी को सामने लाया गया। राम जी ने युद्ध जीत लिया, सीता जी के अपहरण के कारण ही ये युद्ध आरंभ हुआ था, वही सीता जी अशोक वाटिका से लाई जा करके सामने खड़ी हो गई। और भगवान श्री राम का जो हृदय है उसी समय दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े का मतलब क्या है? हृदय में दो बातें चल गईं। एक, इतने दिन बाद प्राण प्रिया वैदेही को देखा, दौड़ करके उनके पास जाने का, उनका कुशल क्षेम जानने का मन हो गया। एक हृदय तो ये कह रहा है सीता सामने है, वियोग, जिसके वियोग में है भगवान श्री राम, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं, नहीं कह रहे थे, वही सीता तो है, कोई बदली हुई सीता थोड़े है। वो सीता सामने आके खड़ी हो गई, इतना बड़ा युद्ध लड़ने के बाद खड़ी हो गई, और भगवान श्री राम अपने आसन पे बैठे हैं। क्यों? एक हृदय कह रहा है कि दौड़ करके जाओ, आगवानी करो, ले आओ, आसन पे बैठाओ, कुशल क्षेम पूछो, भोजन न किया हो तो भोजन कराओ, स्नान न किया हो तो स्नान कराओ, मधुर मधुर वाक्य बोल करके उसके हृदय का जो संताप है उसको दूर करो, आदि आदि आदि। और दूसरे वाल्मीकि जी कह रहे हैं, पश्यतस्ताम तु रामस्य समीपे हृदय प्रियाम जनवाद भयाद राग्यो बभूव हृदयम द्विधा। एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ जनापवाद, जनवाद भयाद, जनवाद का भय मन में आ गया कि लोग क्या कहेंगे। ये एक वर्ष के लगभग रावण के यहां रही है, अब आ रही है, इसको अपनाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये बात अलग चल गई। अब हृदय दो टुकड़े हो गया कि नहीं? दो बात हो गई, एक धड़ा ये कह रहा है, एक धड़ा ये कह रहा है, एक ही हृदय है, दो धड़े हो गए उसके, दो टुकड़ा, इसी को दो टुकड़ा होना कहते हैं। ऐसे जैसे आपकी चीज दो टुकड़े टक से टूट के होती, वैसा थोड़े, दो बात मन में आ जाना, इसी का नाम दो टुकड़े होना। तो राम जी का हृदय दो टुकड़े हो गया कि क्या करें, इसको अपनाएं कि ना अपनाएं। जनवाद भय,
एक टुकड़ा सीता के लिए अत्याज्ञा का उद्घोष कर रहा है कि नहीं, ये त्याग योग्य नहीं है, और दूसरा वो कहता है अवश्य त्याज्ञा है, इसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। कह पुमांस्तु कुले जातः स्त्रियं पर गृहोषिताम तेजस्वी पुनराद्यात् सुहृल्लोभे न चेतसा। नीति कहती है कि जो स्त्री इतने दिनों तक दूसरे के घर में रह चुकी, अब उस स्त्री को कैसे स्वीकार किया जाए। भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा, सीता आपका अपहरण हुआ था, हमारी जिम्मेदारी थी कि इस अपहरण को हम खत्म करें, अपहर्ता को दंडित करें। हमने प्रयास किया, तुमको खोजा, खोज करके सेना बनाई, सेना बना करके हमने आक्रमण किया और आज भगवान की कृपा से सफलता मिल गई। हनुमान जी इसमें कारण है, सुग्रीव जी इसमें कारण है, विभीषण जी इसमें कारण है, इन सब के सहयोग से हमने आज आपको जीता, युद्ध को जीत लिया, अब हमारा काम पूरा हो गया। अब आप इधर आ जाइए, अब आप स्वतंत्र हैं, बंधन में नहीं है रावण के, मैंने आपको स्वतंत्र करवा दिया, अब आपकी जहां इच्छा हो वहां आप जा सकती हैं। भगवान श्री राम ने इतनी बड़ी बात कह दी, सीता जी को बड़ा धक्का लगा। सीता जी पहले तो थोड़ी देर तक स्तब्ध रह गईं, उसके बाद बोली, राम जी इतनी कठोर बात आप बोल नहीं सकते, मैं आपको जानती हूं, ये जो कठोर वचन आपके मुख से निकल रहे हैं ये आपके नहीं हो सकते, ये बहुत प्राकृत वचन है, ये सामान्य स्त्रियों के बारे में ऐसी बात कही जा सकती है, मेरे बारे में इसका मतलब ये आपके वचन नहीं है, ये लोगों की बात है, प्राकृत लोग जो सामान्य लोग हैं उनके द्वारा कही गई बात को आप अपना स्वर दे रहे हैं, ये आपकी बात हो नहीं सकती है। यदहं गात्र संस्पर्शम गतास्मि विवशा प्रभो कामकारो न मे तत्र दैवं तत्रापराद्यति। महाराज अगर ये बात इस कारण से आप कह रहे हैं कि रावण ने जब हमारा अपहरण किया तो हमारे शरीर का संस्पर्श उसके शरीर से हो गया, उसने हमारा हाथ पकड़ लिया, उसने खींच लिया, खींच करके हमको अपने रथ पर चढ़ा लिया, लेकर के आया, ये बात सही है कि रावण के शरीर का संस्पर्श हमारे शरीर से हो गया, लेकिन वो विवशता में हुआ, मैं विवश थी, अपनी इच्छा से मैंने अगर स्पर्श किया हो तो मैं दोषी, लेकिन मेरी इच्छा तो ऐसी थी नहीं, ये तो ईश्वर इच्छा से हुआ, ये तो विवश करके किया गया, इसलिए इसमें मेरा अपराध नहीं हो सकता। दैवम तत्रापराध्यति, ये तो मेरे भाग्य का ही दोष कहिए, मेरा दोष इसको मत मानिए। शास्त्र भी यही कहता है कि सर्वान बलकृता अनर्थान अकृतान मनुरब्रवीत। आपके पूर्वज जो मनु हो गए हैं उन्होंने अपना धर्मशास्त्र लिखा है, उसमें बताया है कि बलपूर्वक अगर कुछ कार्य किया जाए तो वो न किए के बराबर होता है। बलपूर्वक कोई आके आपकी जगह पे कब्जा कर ले और वहां पे अपना अध्यासन दिखा दे तो आप नालिश करेंगे कि भाई ये हमारे यहाँ आ गए हैं, कब्जा इन्होंने कर लिया है, बलपूर्वक किया है, इसलिए इनको हटाया जाए। कब्जा कर लेने से संपत्ति नहीं हो जाएगी, फिर कानून क्या करेगा, हटवाएगा कि भाई आप किसी की चीज को बलपूर्वक अपना नहीं बना सकते, ना किए के बराबर अकृतान। हाँ अगर आपकी जगह पे कब्जा कर लिया और आप बहुत दिन तक भूले हुए हैं
12 वर्ष की संभवतः मियाद है, एडवर्स पोजीशन। 12 वर्ष तक अगर आप बोलेंगे ही नहीं, 12 वर्ष के बाद जाके कहेंगे कि हमारी जगह पे आ गए, तो कोर्ट ये मानेगा कि इसका मतलब आपके पास इतनी जगह है कि आपको याद ही नहीं रहता कि कहाँ कौन रह रहा है। 12 साल तक आपको याद नहीं आई, इसलिए 12 वर्ष के भीतर में कभी भी आप जा करके कहेंगे कि हमारी जगह है, इन्होंने बेजा कब्जा किया है, तो निर्णय होने पर वो खाली कराया जाएगा। इसका मतलब है कि बलपूर्वक किए गए कार्य विधि सम्मत नहीं होते हैं। विधि सम्मत जो कार्य होते हैं वही माने जाते हैं, वही अंतिम रूप से टिकते हैं। बलपूर्वक तो कोई भी किसी का बल बढ़ जाए तो कुछ भी कर ले। रावण का बल बढ़ गया, उसने मेरा हाथ पकड़ करके खींच करके मुझे अपने रथ पर चढ़ा लिया, इसमें मेरा क्या दोष? बलपूर्वक किया गया कार्य न किए के बराबर होता है, इसलिए उसका जो स्पर्श है वो कानून की दृष्टि में, धर्मशास्त्र की दृष्टि में न स्पर्श के बराबर है, क्योंकि बलपूर्वक स्पर्श किया गया था, इच्छा उसमें कारण नहीं था। महाराज, और जहां तक मेरी इच्छा की बात है, मद दीनम तु यत तन्मे हृदयम त्वयि वर्तते, मेरे अधीन जो है वो मेरा हृदय है और वो तुम्हारा है। पराधीनेषु गात्रेषु किं करिष्याम्यनीश्वरा, ये जो शरीर है ये पराधीन था, हृदय पे मेरा अधिकार था, उसको आज तक मैंने आपके लिए सुरक्षित रखा है, आपसे इतर नहीं गया। पराधीन जो शरीर है उसके बारे में मुझे दोष नहीं दिया जाना चाहिए। महाराज, ये हृदय शुरू से जैसा आपका था वैसा ही आज भी आपका है, इस हृदय में अभी तक दूसरा कोई आया नहीं है। सह समृद्ध भावेन संसर्गेण च मानद यदि ते हम न विज्ञाता हता ते नास्मि शाश्वतम। महाराज, जब हमारे मन में आपके प्रति और आपके मन में हमारे प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ था, आपको याद होगा, आप गुरुजी महाराज की पूजा के लिए, फूल चुनने के लिए हमारे पिताजी की वाटिका में आए थे, पुष्प वाटिका में, और मैं माताजी की आज्ञा से गिरिजा पूजन के लिए उसी पुष्प वाटिका में जो मंदिर था उसमें गई थी, उसी समय आपने हमको देखा था और हमने आपको देखा था, उसी समय से हमको देखते ही आपके मन में और आपको देखते ही हमारे मन में परस्परानुराग हो गया था, एक दूसरे के प्रति भावना उत्पन्न हो गई थी। वो दिन है कि आज का दिन है? आंख कहीं और गई नहीं, मन कहां जाएगा? इसलिए उसके बाद आपका हमारा विवाह हो गया, हम साथ रहे, उसके बाद भी आप ये समझते हैं कि मैं पराई हो सकती हूं, ये तो मेरे साथ अन्याय है, ये तो मेरी हत्या है। महाराज, ये मत करिए। वहीं हनुमान जी खड़े थे, सीता माता ने कहा, ये हनुमान, ये तो गवाह है, जब ये लक्ष्मी यहां आया था आपके आने से पहले, हमको थोड़े पता था कि आपके द्वारा भेजा गया कोई दूत आ रहा है। पूछ लीजिए हनुमान से कि जब खोजते खोजते इसने मुझको देखा था तो रावण के महल में देखा था कि रावण के महल से दूर अशोक वाटिका में देखा था? और महाराज, अगर युद्ध करने के बाद ये परिस्थिति आप उत्पन्न करेंगे ऐसा हमको बताया गया होता तो हम दूसरा निर्णय ले लेते। हमने तो निर्णय ले लिया था, अपने शरीर को समाप्त करने का निर्णय ले दिया था। त्रिजटा से हमने आग मांगी थी कि माँ इतना ही कर मेरे लिए, आ निकाट काठ रच चिता बनाई, अमात अग्नि पुनि देही लगाई, मेरे लिए बस इतना ही कर दो त्रिजटा, एक चिता बना दो सूखी लकड़ियों की, उसमें मैं बैठ जाऊंगी, फिर आग लगा देना, अब मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहती। उसी समय ये हनुमान आए थे आपके भेजे, और इन हनुमान ने क्या कहा था? कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हई रघुबीरा, निशिचर मारी तो ही ले जाई, और तेहूपुर नारदादि जस गई हैं।
आपके दूत ने हमको भरोसा दिलाया था कि धैर्य रखिए, कुछ दिन में भगवान आएंगे और आपको लेके जाएंगे, और आपने आप ये कह रहे हैं कि जहां जाना हो चली जाओ, स्वतंत्र हो। महाराज, उसी समय आपको अपने दूत से संदेशा भिजवा देना चाहिए था, मैं अपना निर्णय खुद ले लेती, अपने शरीर को भस्मसात कर देती, आज ये दुख का अवसर मुझे देखना ना पड़ता। आप भूल रहे हैं, आप ये भूल रहे हैं कि मैं सामान्य स्त्री हूं। महाराज, जैसे और स्त्रियों का जन्म होता है जिनके बारे में इस तरह की बात चल सकती है, प्राकृत लोग कह सकते हैं कि इनका चरित्र दूषित होगा, मैं वैसी नहीं हूं। मेरा जन्म माता पिता की कोख से नहीं हुआ है, मेरा जन्म धरती माता की कोख से हुआ है। इसलिए सामान्य स्त्री के बारे में जो विचार हैं वही मेरे ऊपर थोपना, ये मेरे लिए अन्याय है। और महाराज, मैं देख रही हूं कि आप जब हमारा आपका विवाह हो रहा था तो अग्नि प्रज्वलित करके साक्षी दे करके आपने हमारा पाणी ग्रहण किया था। काय के लिए पाणी ग्रहण होता है, धर्मशास्त्र जानते ही हैं आप। ये पाणी ग्रहण इसलिए होता है कि हम पत्नी को अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं। काहे के लिए? दो काम होता है, एक इसके साथ मिल करके हम धर्म करेंगे, जोड़ा होता है, जोड़े के साथ धर्म करने का नियम है, अकेले नहीं कर सकते, इसलिए आपने जोड़ा बनाया कि हम मिल करके धर्म करेंगे, और दूसरे वंश वृद्धि के लिए, संतान के लिए। महाराज, आगे धर्म कैसे होगा? आप मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि जिस कारण से आपने मुझे अपनाया था आज उसी कारण को भूल रहे हैं, और अभी संतान भी नहीं है आपको, आप ये भी भूल रहे हैं कि विवाह तो संतान के लिए भी किया जाता है। मैं समझ नहीं पा रही हूं। और महाराज, आपके प्रति मेरे भाव, आपके प्रति मेरे मन की भक्ति, मेरा सील स्वभाव सब भूल गया? एक वर्ष के लगभग अलग क्या रहे, आपने तो सब कुछ भुला दिया। बहुत दुखी हो गई जानकी देवी, लक्ष्मण जी से बोली, लक्ष्मण अब इनसे आशा नहीं है, मैं तुमको अपना देवर समझ करके आदेश करती हूं, तुम मेरा आदेश कभी नहीं टालते हो। हाँ, तुमको आदेश मैंने किया था, उससे गड़बड़ी हुई थी, ये जानती हूं। अगर उस दिन मारीच की आवाज को सुनकर के मैंने तुमको ना भेजा होता तो ये दृश्य ना बनता, लेकिन फिर भी मैं तुमको एक आदेश देती हूं, ये मान करके कि तुम विचार नहीं करते हो, जो मैं आदेश करती हूं वो करते हो, इसलिए आज मैं तुमको फिर से आदेश करती हूं, विचार मत करना, जो मेरा आदेश हो कर देना। लक्ष्मण जी ने देखा मां की तरफ, मानो कह रहे हो कि जो आदेश हो बताइए। सीता जी बोली, चिताम मे कुरु सौमित्रे व्यसनस्यास्य भेषजम मिथ्यापवादोपहता नाहम जीवितुम उत्सहे। हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, मेरे लिए एक चिता बना दो, ये जो मेरे ऊपर दुख आया है अब इसको मैं सह नहीं सकूंगी, ये चिता ही मेरे इस दुख की दवा है। मिथ्या मेरे ऊपर अपवाद लगाया जा रहा है, अब मैं जीना नहीं चाहती। लक्ष्मण जी को भी देखिए, लक्ष्मण जी जो हैं वो राम जी के परम भक्त हैं। जब भरत आ रहे थे तो भरत को मारने के लिए भी तैयार हो गए थे कि भरत का वध कर देता हूं, शत्रुघ्न का वध कर देता हूं। माने उनके मन में दया माया नहीं है, वो भगवान के प्रति समर्पित हैं, जो भगवान कहेंगे वही, आज्ञा पालक हैं।
लेकिन सीता जी की ये जो परिस्थिति और भाई की परिस्थिति थी, इसको देख करके वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी को भी क्रोध आ गया। पहली बार जीवन में क्रोध की दृष्टि से उन्होंने भगवान श्री राम की ओर देखा, लेकिन भगवान श्री राम लक्ष्मण जी क्रोध से उनकी ओर देख रहे हैं और भगवान श्री राम ने आंखें मटका दी, माने कुछ संकेत कर दिया कि ठीक है करो ऐसा ही कर दो। भगवान का संकेत लक्ष्मण जी ने समझ लिया कि कोई बात है, इसलिए कहा ठीक है ठीक है, और चिता बना दी। लकड़ियां इकट्ठी कर दी गई, चिता तैयार हो गई। सविज्ञाय मनश्छंदम रामस्याकार सूचितम चिताम चकार सौमित्रिहि मते रामस्य वीर्यवान। राम जी का अभिमत समझ करके लक्ष्मण जी ने चिता का निर्माण कर दिया, सीता जी की बात मान ली। अब आग लगा दी गई, सीता जी ने आग में प्रवेश करने के लिए कदम बढ़ा दिए। धू धू करके चिता जल रही है, सीता जी आग की ओर चली जा रही हैं। बड़े बड़े लोग खड़े हैं, राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े हैं, हनुमान खड़े हैं, सुग्रीव, अंगद, विभीषण, कौन नहीं है, सब तो हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, ऐसा दृश्य हो गया। सीता जी ने हाथ उठा करके कहा, हे अग्नि देवता, अगर मेरा हृदय एक क्षण के लिए भी भगवान श्री राम से अन्यत्र न गया हो तो मेरे लिए तुम साक्षी बन जाओ, कम से कम इस बात की साक्षी कर दो। इस बात की साक्षी करो जिससे राम मुझे मेरी शुद्धता को फिर से समझ सके। और ऐसा ही हुआ। बात क्या होता है कि जब सोने की परीक्षा का अवसर आता है तो उसको जो सुनार है वो आग में डाल देता है, अगर गड़बड़ होगा तो उजल करके खत्म हो जाएगा, और अगर सच्चा सोना है तो उसका मैल जो होगा वो जल जाएगा, वो स्वयं बचा रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जितना तपता है सोना उतना आता है निखार। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो मैल है, जो खोट मिलाई गई है, वो खोट आग में जल जाएगी और शुद्ध शुद्ध सोना 24 कैरेट का बचा रह जाएगा। तो अग्नि जो है वो शुद्धता की परीक्षा लेने की जगह है, उसी में शुद्धता की परीक्षा होती है। इसलिए सीता जी कह रही हैं, ये अग्नि जैसे सोने की परीक्षा करके तुम उसकी शुद्धता को घोषित कर देते हो, वैसे ही आज मेरे ऊपर लांछन लगा है, मेरी शुद्धता की घोषणा भी राम जी के सामने, राघव के सामने तुमको करने पड़ेगी। यथा माम शुद्ध चारित्राम दुष्टाम जानाति राघव, वैसा कर दो, तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वतः पातु पावक। अग्नि मुझे न जलाए अगर मैं सच्ची हूं तो, और अगर बुरी हूं तो जला दे। ऐसा कह करके बिना किसी डर के चिता के ज्वाला में, जैसे कोई पूर्णाहुति का नारियल हवन कुंड में होमता है और उसके पीछे से घी की धारा लगा देता है और उसके ऊपर घी में भिगोई हुई साड़ी अग्नि के ऊपर बिछा देता है, उस समय अग्नि कैसा प्रज्वलित होता है। ऐसे ही अग्नि प्रज्वलित हो रहा था और पूर्णाहुति के नारियल की तरह से सीता जी उसके अंदर प्रवेश कर गई। सब रोने लगे, देवता रोने लगे, गंधर्व रोने लगे, यहां तक कि दानव भी रोने लगे, हाहाकार मच गया।
राक्षस भी रोने लगे जो बचे थे। राम जी पछताने लगे कि मैंने क्या कर दिया। उसी समय 10 दिक्पालों के साथ भगवान शिव आ गए। भगवान श्री राम खड़े हो गए, स्वागत किया, आसन पर बैठाया। शिव जी ने कहा, राम थोड़ा झिंझोड़ा, ये तुम आम मनुष्यों जैसी बात क्यों कर रहे हो? तुम आम नहीं हो, तुम तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोई अज भक्त प्रेम वश कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोद में कौशल्या नंदन बन के तुम आए हो, प्रेम के वशीभूत होकर के आए हो। वास्तव में तुम कौशल्या नंदन नहीं हो, तुम तो वही हो जो हो। इसी तरह से उनको एहसास दिलाया कि आप ये नहीं है, दाशरथी नहीं है, आप साक्षात भगवान हैं। इस तरह से प्रबोध वाक्यों को सुनकर, कभी कभी ऐसा होता है कि किरदार में व्यक्ति इतना समा जाता है कि फिर वो किरदार से बाहर निकल पाता। कई अभिनेताओं के साथ ये बात हो चुकी है, वो किरदार निभाते निभाते किरदार में घुस गए और उसके बाद बाहर ही नहीं आ पाए। अपना स्मरण भूल गया उनको, जो किरदार था वही बन गए, गहराई में ऐसे ही हो जाता है। भगवान शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ करने के लिए मंडन मिश्र के यहां गए, मंडन मिश्र को पराजित कर दिया। उनकी पत्नी आ गई, बोली अभी तो आधा अंग पराजित किया है, अभी आधा अंग बाकी है, हमसे शास्त्रार्थ करिए तब पूरी जीत मानी जाएगी, नहीं तो आधी जीत है। आधा अंग होता है कि नहीं पत्नी? बोली होता है। कहा तो आधी जीत हुई, अभी आधी हम बाकी हैं। कहा ठीक है, तुम भी बोलो, करो शास्त्रार्थ। तो उसने चालाकी दिखाई, ये ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी से ही सन्यासी बन गए हैं, काम शास्त्र के बारे में प्रश्न पूछ दिए। अब काम शास्त्र कैसे बोले? वैसे तो सर्वज्ञ थे लेकिन मर्यादा, अगर काम शास्त्र के बारे में उभय भारती के पूछने पर तुरंत जवाब दे देते भगवान श्री शंकराचार्य, तो ये प्रश्न उठ जाता सबके मन में कि ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी से ही सन्यासी बने हैं, काम शास्त्र के बारे में इनका कहां से जानकारी है जी? अब लोग उहापोह करने लगते, ये जानकारी कहां से हुई, ये जानकारी कहां से हुई। इसलिए सर्वज्ञ होने पर भी यही ह्री लोक लज्जा, इस लोक लज्जा के कारण भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, भाई आपके प्रश्न का उत्तर तो दे सकते हैं लेकिन अभी नहीं दे सकते, इसके लिए हमको अध्ययन करना पड़ेगा। ये विषय ऐसा है जिसका हमने अध्ययन नहीं किया है, अध्ययन करके और अनुभव करके हम आपको बता सकते हैं। कहा ठीक है, अनुभव कैसे करें? उसी शरीर से अनुभव करें तो दोष हो जाएगा, सन्यासी के शरीर से काम शास्त्र का अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए आत्मा में दोष होता नहीं है, इसलिए अपना शरीर छोड़ करके अमरुक राजा, जो उसी समय देहांत को प्राप्त हुआ था, उसके शरीर में प्रवेश कर लिया और उनकी रानियों के साथ रह करके काम शास्त्र का अनुभव भी प्राप्त कर लिया और वापस आकर के कहा कि ठीक है, अब हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जवाब दे दिया, उसने पराजय स्वीकार कर लिया। मतलब क्या है? ये तो घटना हो गई। अब इस घटना में विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि जब राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश किया भगवान शंकराचार्य ने, तो उनको थोड़े दिन में अनुभव प्राप्त करके लौटना चाहिए था। शिष्यों को कह गए थे कि हमारे निर्जीव शरीर की रक्षा करना, क्योंकि हमको फिर इसमें आना है। अब वो बेचारे रक्षा ही कर रहे हैं और शंकराचार्य जी वहां राजा बन करके आनंद ले रहे हैं, लौट ही नहीं रहे हैं। तब चेले गए कि हम राजा साहब को संगीत सुनाने आए, फिर उन्होंने मूर्छना तान मारी,
फिर कहा कि अरे आप शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त स्वभाव हैं, कहाँ इसमें। तब उस गाने को सुन करके हम शंकराचार्य, मैं तो यहाँ अनुभव के लिए आया था, तब वो निकले, नहीं तो निकल ही नहीं रहे। मत्स्येंद्रनाथ के बारे में कथा आती है इसी तरह, वो भी परकाया प्रवेश कर गए थे तो उनके चेलों ने, गोरखनाथ जी ने जा करके उनको भी सुनाया था, जाग मच्छंदर गोरख आया। हे मत्स्येंद्र, वो गुरु थे, गोरख आया, गोरख ने जाके जगाया तब जागे, नहीं तो अपने किरदार में घुस गए थे। तो ऐसे ही राम जी भी मानुषी किरदार में घुस गए, इतना वियोग सहा, इतनी लड़ाई झगड़ा ये वो, इसी में दिन रात लगे रहने के कारण उनका भी, उनकी प्रकृति भी एक सामान्य मनुष्य के जैसी हो गई। तब शिव जी ने आकर के उनको प्रबोधन किया कि आप ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। एतत् श्रुत्वा शुभम वाक्यम पितामह समीरितम अंके नादाय वैदेही मुत्पपात विभावसु। इधर भगवान श्री राम को बोध हुआ और उधर आग तो जली रही थी, सब लोग समझ रहे थे कि सीता जी अब जल के भस्म हो गई, रो रहे थे। इतने में देखते क्या हैं कि जैसे कोई बाप अपनी छोटी सी बेटी को अपने गोद में लेकर के आता है, ऐसे ही अग्नि देवता सीता माता को गोद में लेकर के बाहर। राम जी के पास आ गए, शिव जी भी वहीं विराजमान हैं, 10 दिक्पाल वहां हैं। अग्नि देवता ने कहा एषा ते राम वैदेही, राम ये तुम्हारी वैदेही, पापमस्याम न विद्यते, मैंने खूब जला के देख लिया, अगर पाप होता तो जल जाता, अब मैं साक्षी होकर के कहता हूं पापम अस्याम न विद्यते, इसमें रंच मात्र पाप नहीं। नैव वाचा न मनसा नैव बुद्ध्या न चक्षुषा, ना तो वाणी से पाप है, ना तो मन से पाप है, ना बुद्धि में पाप है और ना इंद्रियों में पाप है। किसी स्तर पर ऐसा नहीं है कि मन के स्तर पर तो है, तन के स्तर पर नहीं है, इसके तो किसी स्तर पर पाप है ही नहीं, ये तो पूर्णतया निष्पाप। ऐसी जो विशुद्ध भावाम निष्पापाम प्रतिगृहणेशो मैथिलीम न किंचित अभिधातव्या अहमाज्ञापयामिते, और मैं अग्नि इसकी शुद्धता की गवाही दे करके राम तुमको आज्ञा करता हूं, न किंचित अभिधातव्या, इसके बारे में ऐसी उल्टी बात कभी मत बोलिएगा, ये मेरी आज्ञा है आप। अब राम जी खुश हो गए, कहने लगे बस यही तो हम चाहते थे, बिल्कुल अच्छा हुआ कि अग्नि परीक्षा हो गई, अगर ये परीक्षा ना होती तो सीता माता के चरित्र पे लोग उंगली उठाते, हमारे ऊपर भी उंगली उठाते कि एक साल वहां रही दूसरे के यहां और फिर इन्होंने जाकर के तुरंत गले लगा लिया। इसलिए बिना किसी विशुद्धि के मैंने स्वीकार कर लिया, ये कलंक मेरे पर भी होता, इनके ऊपर भी होता, तो ये कार्य अच्छा हो गया। असल बात क्या थी, वो जो लक्ष्मण जी ने जब क्रोध से भाई की ओर देखा तो उन्होंने आंखें मटका के इशारा किया कि होने दो। बात ये थी कि जब भगवान दंडकारण्य में थे उसी समय सीता जी और राम जी के बीच में बात हो गई थी, अग्नि में प्रवेश करवा दिया था असली सीता को, ये तो छाया सीता थी। तुम अपावक मा करो निवासा और जब लगी करो निशाचरनासा, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और लक्ष्मण है मुझे हमारा मना जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। लक्ष्मण जी को यह सब पता नहीं था कि छाया सीता है, असली सीता तो अग्नि में प्रवेश करके विराजमान है, तब जो असली सीता थी उसको तो निकालना था, कहां से निकालते, अग्नि में से ही तो निकालना था, अग्नि को सौंपा था, अग्नि ही लेकर के निकल गया। भगवान श्री राम कहते हैं बालिशो बत कामात्मा रामो दशरथात्मजः इति बक्षति माम लोको
जानकीम अभिशोध्य ही, अगर मैं अशोधिता जानकी को स्वीकार कर लेता तो लोग मुझको मूर्ख समझते, बच्चा समझते, कहते अरे दशरथ का बेटा राम ये तो मूर्ख है, बच्चा है, विचारहीन है। इसलिए ये शोधन अति आवश्यक था। जानकी जी को स्वीकार किया, शिव जी देवता सब प्रसन्न हो गए, राम सीता पुनः मिल गए। कहते हैं उसी समय दशरथ जी भी आए थे देवताओं के साथ, इसीलिए वो मुक्त नहीं हुए थे। ये नियम है, अंत राम कही जे जमुआई, तीनहि न पाप पुंज समुआई। अंत काले जमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ऐसे सिद्धांत हैं कि अंतिम समय में जिसके मुख में राम आ जाता है उसका काम बन जाता है, वो तो मुक्त हो जाता है। और यहाँ रामचरितमानस में लिखा है कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवत बिरह राहु गए सुरधाम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, छह बार राम का, छह बार राम कहा तब भी राहु गए सुरधाम। सुरों के माने देवताओं के धाम माने स्वर्ग गए, मुक्ति क्यों नहीं हुई उनकी? क्योंकि राम राम तो कहा लेकिन मुक्त होने की इच्छा नहीं थी, अभी राम से मिलने की इच्छा थी। इसीलिए राम कहने में भी देखना पड़ेगा कि किस भाव से राम कह रहा है। अभी राम को देखने की इच्छा बनी हुई थी इसीलिए स्वर्ग में विराजमान थे, और जब युद्ध हो रहा था तो आके देखते थे विमान पे बैठ के। और जब सीता राम का मिलन हुआ तो दशरथ जी आ गए सामने, कहा राम तूने मुझे तार दिया। कर्तव्यो न तु वैदेही मनुष्त्याग मम प्रति रामेणेनम विशुद्ध्यर्थम कृतम वै तदहितैषिणा। बेटी सीता जी को समझा रहे, बेटी राम के प्रति तुम मन में कुछ सोचना मत कि तुम इन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम्हारे ही हित के लिए इन्होंने ये किया, अन्यथा तुम्हारे ऊपर कोई कलंक लगा सकता था। अब परीक्षा हो गई इसलिए अब तुम निष्कलंक रहोगी, इसलिए राम ने तुम्हारे ही हित के लिए ये किया, ऐसा जान करके राम के प्रति गुस्सा मत करना बेटा। एक ससुर जैसे समझाता है बहू को, वैसे ही समझा करके स्वर्ग चले गए। ये तो घटना है, और बाद में आप लोग सुन चुके हैं क्या हुआ। रामराज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सबसों का, तीनों लोक में लोग सब लोग सुखी हो गए। लेकिन गुणों में भी दोष देखने की जो आदत है लोगों की वो कहां चली जाएगी, वो तो रहेगी। तो एक राज्य में एक था, उसके मन में ये बात आ गई और उसने कह दिया। पत्नी कहीं गई थी, दो तीन दिन तक लौटी नहीं, चौथे दिन रात को लौटी, दरवाजा खटखटाने लगी, वो सोया था, नींद से उठा, कौन? तो उस पत्नी ने अपना नाम कहा। उसने कहा ना अब मैं दरवाजा नहीं खोलता, मैं राम थोड़े हूं कि लंबे समय तक लंका में जाके लौटे सीता तो अपना लूं, तुम इतने दिन कहां थी, अब मैं तुमको नहीं अपना सकता, मैं राम नहीं हूं। और ये जो प्रभात की बात कही गई भगवान के सामने, जासूसों ने बता दी कि लोग ऐसी बात कर रहे हैं। भगवान ने सुना लोकापवाद का वह, उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया। कैसे परित्याग किया? सीता जी ने स्वयं इच्छा की थी, असल में वो उनको गर्भ हुआ, और गर्भ जब होता है तो दो हृदय हो जाते हैं, एक बच्चे का हृदय एक अपना हृदय, माँ दोहद वाली हो जाती, तो उस समय उसकी विशेष इच्छाएं होती हैं। तो सीता जी ने राम जी से कहा कि राम जी एक बार चलिए ना, बहुत हो गया राजकाज, अब यहाँ मन नहीं लग रहा है, जंगल में कितना अच्छा था, यहाँ तो आप हमसे मिल ही नहीं पाते हैं, दिन भर सभा है तो सोसाइटी है तो बैठक है तो ये है तो ये है, जंगल में कितना अच्छा था कि 24 घंटा हम आपके साथ आप हमारे साथ, वो दिन फिर से लौट आते, एक बार जंगल देखने की हमारी इच्छा है। राम जी ने कहा ठीक है,
तो राम जी ने कलाकारों को आदेश किया कि भाई जंगल बना दिया जाए। तो बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई, सब जगह के चित्र बताए गए, बनाए गए। राम जी सीता जी को लेके के चलो जंगल घुमा के लाते हैं। हाँ हाँ बहुत अच्छा, चलिए। अब वहीं महल के अंदर बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई थी, बरगद का पेड़ है तो ये है, तो ये है, तो कुटिया है, वो सब दिखा दिया। सीता जी ने कहा, ये आपने हमारे लिए बड़ा अच्छा किया, लेकिन असली की बात अलग है, ये तो सब नकली था। हमको तो असली जंगल में फिर से जाने का मन करता है। और इधर वो सूचना आ गई, भगवान श्री राम ने सोचा कि ये ठीक है, इसका जंगल में जाने का मन भी है, तो फिर भेज देते हैं। सीता का परित्याग। अब ये जो सीता का परित्याग है, इसके बारे में कई लोग कहते हैं कि ये गलत हो गया, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जतारथ। राम जो है वो सब चीजों के विशेषज्ञ थे, नीति क्या है, प्रीति क्या है, परमार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है, सब समझते थे। इसलिए सब को इन टोटल अनुशीलन करके उन्होंने ये निर्णय लिया। इसलिए राम का निर्णय निंदा के आलोचना के योग्य नहीं है। क्या नीति है इसमें? नीति ये है कि जब जनता बोलती है कुछ बात और सरकार अगर अरेस्ट कर ले बोलने वाले, तो राम जी दूसरे दिन अरेस्ट कर लेते कि भाई तुमने ये क्यों कहा, तो उसका परिणाम क्या होता, और ज्यादा फैल जाती बात, ये देखो अब सह भी नहीं पा रहे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है, अरेस्टमेंट हो रहा है, फिर दूसरा कहता, तीसरा कहता। तो जो सीता जी के ऊपर कलंक लगा था, उसके छींटे जो राम जी के ऊपर आ रहे थे, वो और बढ़ जाता। इसलिए सीता जी राम को ज्यादा चाहती हैं कि राम जी का काम होना चाहिए, और राम जी सीता जी को चाहते हैं कि सीता जी का काम होना चाहिए। कोई भी प्रेमी होगा तो अपनी परवाह नहीं करेगा, वो दूसरे की परवाह करता है। तो राम जी ने सोचा कि सीता के ऊपर कलंक होना ठीक नहीं है, इसका यश बिगड़ जाएगा, ये बात अगर रह जाएगी तो सदा सदा के लिए कलंक रहेगा। इसलिए इस कलंक को धो देना चाहिए। लेकिन कलंक धुलेगा कैसे? सरकार के सर्कुलर जारी करने से। सरकार के सर्कुलर जारी करने से नहीं होगा। हाँ, अगर कोई त्रिकालदर्शी महात्मा इस आशय की घोषणा करे तो जनता फिर उसकी बात को काटेगी नहीं, स्वीकार करेगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर ये वाल्मीकि आश्रम में चली जाए तो वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी हैं, वो इसके सतीत्व की घोषणा जनता में करेंगे कि नहीं, जैसे अग्नि ने कभी किया था ऐसे ही वाल्मीकि जी कर देंगे, फिर उसको जनता स्वीकार करे। तो ये तो नीति थी उनकी कि सीता के ऊपर से कलंक हट जाए। और प्रीति, प्रीति ये थी कि सीता को भेज तो दिया लेकिन अकेले रहे, दूसरी किसी स्त्री को अपने जीवन में आने नहीं दिया। सीता जी को भेज दिया, अकेले रहे। यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ जी ने उपाय खोजा, पहले बहुत समझाया कि दूसरा विवाह कर देते हैं, आपके साथ कोई होना चाहिए। देखिए जवानी का जो साथ होता है, लोग बताते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, जब उम्र ढलने लगती है उस समय साथी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लोग समझते हैं जवानी में पति पत्नी की ज़रूरत है परस्पर को, लेकिन अनुभवी लोग बताते हैं कि जवानी में उतनी ज़रूरत नहीं है, उस समय तो आदमी की ताकत है, वो खुद ही रह सकता है। जब वृद्धावस्था आती है उस समय साथी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे राम की उम्र ढल रही थी उनको साथी की ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन गुरु वशिष्ठ के कहने पर भी, परिवार के सब लोगों के कहने पर भी उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हम तरीका निकालते हैं। क्या तरीका है? कहा यज्ञ का आयोजन करो, जब यज्ञ आयोजित हो जाएगा तब हम कहेंगे जोड़े से बैठना पड़ता है, तब तो राम दूसरा विवाह कम से कम यज्ञ के लिए ही कर लेंगे, फिर देखा जाएगा धीरे धीरे, रिपट परे की हर गंगे, पहले पास माने आगे धीरे धीरे ले चलो। तब
यज्ञ में बैठने के लिए विवाह कर लो राम, केवल यज्ञ के लिए। राम जी ने कहा नहीं, ये भी नहीं करूंगा। तब सोने की सीता बना करके, मूर्ति बना के बगल में बैठाई गई, तब राम ने यज्ञ किया। ऐसा करके राम ने घोषित कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि सीता के अलावा उनके जीवन में कोई नहीं है। अपने प्रेम को प्रमाणित कर दिया, पहले नीति और फिर प्रीति, प्रीति दिखा दी। और परमार्थ, परमार्थ यह है कि संतान के लिए विवाह किया जाता है। अब संतान जब पत्नी के पेट में आ गई, अब विषय भोग से विरत हो जाना चाहिए। इसलिए भगवान श्री राम ने सोचा कि ये वे जब वन चली जाएंगी तो हम अकेले रहेंगे, चटाई पर सोएंगे, एक समय का भोजन करेंगे, हमारा भी कुछ परमार्थ सद जाए, हम भी आत्मचिंतन कर सकें। तो इसीलिए अपने परमार्थ को साधने की दृष्टि से भी ये उचित लगा। और स्वार्थ, स्वार्थ ये था कि हमारे बेटे हमसे भी विशेष बने। हर पिता ये चाहता है कि हमारा बेटा हमसे भी आगे जाए। उन्होंने सोचा कि अगर ये राजमहल में पलेंगे तो राजमहल में पले बच्चे जो है ना, उनमें वो बात नहीं आ पाती, इसीलिए इसको वन में, वाल्मीकि महाराज के आश्रम में अगर हमारे बच्चे उत्पन्न होंगे और वहीं अगर पलेंगे तो बहुत रफ टफ होंगे, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होंगे। और वाल्मीकि जी सिद्ध महात्मा हैं, उनके द्वारा अगर अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा उनको दे दी जाएगी, वेद वेदांग की शिक्षा दे दी जाएगी, तो वो बहुत योग्य बन जाएंगे। तो मेरे बेटे मेरे से ज्यादा योग्य बने, ये उनका स्वार्थ था। तो नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ सब सदग्रह थे, इसीलिए सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में लक्ष्मण जी के माध्यम से भिजवा दिया। और फिर क्या हुआ, वहां लव कुश हुए, आप लोग जानते ही हैं, बाद में अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा, वो दोनों बच्चों ने पकड़ लिया। अब सब गए लड़ने के लिए, हनुमान जी गए, अमुक गए, अमुक गए, जो जाता था उसी को हरा देते थे वो लोग, इतने ओजस्वी तेजस्वी छोड़े ही उम्र में हो गए। और बाद में रामायण नाम का ग्रंथ लिख करके वाल्मीकि जी ने उनको रटा दिया, और वो अयोध्या में आए और वहां पर वो गाने लगे कि ऐसा निर्मल चरित्र था सीता का, लोगों ने सुना, किसने सिखाएगा, वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी ऐसा कह रहे हैं, अरे राम हमसे बड़ी गलती हुई, हमने सीता जी के चरित्र पे उंगली उठा दी, पछताने लगी जनता, सीता जी निर्मल हो गई, कलंक का छीटा समाप्त हो। ये है ह्री नाम का धर्म, लज्जा। ये धार्मिक व्यक्ति के हृदय में, अगर लोकापवाद का भय नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी करेगा। इसलिए सत्य आपके जीवन में हो, धैर्य आपके जीवन में हो, अस्तेय अहिंसा आपके जीवन में हो, इसी के साथ साथ लोकापवाद का भय भी धार्मिक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, इसी का नाम। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।